हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने में अब चंद घंटे शेष बचे हैं, जिनको लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर सभी दल अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इन पार्टियों में चुनावी रणनीतियों को लेकर बैठक का दौर जारी है। हरियाणा में अगर लोकसभा सोनीपत सीट की बात की जाए तो यहाँ पर मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभाएं शामिल है। यहाँ पर मुख्यतः दो पार्टियों में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी सोनीपत लोकसभा पर एडी चोटी का जोर लगाए हुए है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के बड़े चेहरे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। अब की बार कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसका उसे फायदा मिल सकता है। वहीं राहुल गांधी भी सोनीपत में अपनी रैली कर रहे हैं, जिसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सोनीपत में अपना डेरा जमाए हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री लगभग सभी विधानसभाओं में जनसभा कर चुके हैं। गोहाना विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने एक तीर से अनेकों निशाने साधे हैं। सोनीपत की 9 विधानसभाओं में सबसे अधिक रोचक मुकाबला खरखोदा विधानसभा पर देखने को मिलेगा। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने करीबन 7,500 वोटों की बढ़त हासिल की थी। इस लोकसभा चुनाव में अब की बार उन्हें आम आदमी पार्टी का भी मत प्राप्त होगा, जिस कारण अब की बार भी खरखोदा में से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों की बात माने तो अभी तक यही आकलन निकल कर आ रहा है कि खरखोदा शहर में से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। अगर खरखोदा विधानसभा के गांव की बात की जाए तो यहां पर मुकाबला कड़ा है। अभी चुनाव में 2 दिन शेष हैं और अंत के 2 दिन ही चुनाव का परिणाम तय करते हैं, तो यह देखने का विषय रहेगा कि क्या सोनीपत लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपना पंचम पहरा पाएगी या बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली इस सीट को जीतकर केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। दृष्टि हरियाणा सभी से अपील करता है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें और लोकतंत्र को मजबूत करें।